व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो गाइज। इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक्स कार्ड के बारे में। एक्स कार्ड आपको कैसे मिल सकता है, इसमें लाइफ टाइम के लिए 5% कैशबैक मिलेगा। बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह ही ये कार्ड है, ये एक प्रीपेड कार्ड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे एनक्यू टाइप करना है। एनक्यू टाइप करेंगे यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए इसको ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं स्मार्ट स्पेंडिंग अनलिमिटेड रिवॉर्ड वेल्थ हेड, और इसमें आपको जो कैशबैक मिलेगा वो बॉन्टी के रूप में मिलेगा। एक बॉन्टी की वैल्यू 1 रुपये होती है। तो यहाँ पे इसको आप एनक्यू चैन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और 24 कैरेट गोल्ड में भी आप इसको ले सकते हैं। तो स्लाइड करना है, फिर से यहाँ पे देखते हैं ऐड मनी स्पेंड अक्यूमुलेट बॉन्टीज। यहाँ पे 1% आपको बॉन्टीज मिलती रहेगी एवरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्पेंड पे, बट जो 4% आपको मिलेगा ऑनलाइन स्पेंड पे वो नेक्स्ट मंथ मिलेगा 15 तारीख को। तो चलिए आपको फिर से स्लाइड करना है। फिर स्लाइड करने के बाद यहाँ पे इनका क्रेडिट कार्ड भी है। यहाँ पे देखते हैं यस बैंक से इन्होंने टाई अप किया हुआ है, पाई और फाई क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं अ परफेक्ट पेयर अनलिमिटेड रिवॉर्ड। अगर से आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है, बट जो मैं आपको एक्स कार्ड के बारे में बता रहा हूँ वो आपको 100% मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको 200 रुपये स्पेंड करेंगे तो 24 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो कंटिन्यू बटन पे फिर से आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको परमिशन अलाउ करना होगा। परमिशन अलाउ करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 1499 रुपये आपको फीस देना होगा, वन टाइम ये फीस है। उसके बाद आपको कोई भी फीस नहीं देना होगा इनमें। तो आपको 1499 रुपये फीस नहीं देना है। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, आईवा रेफर कोड पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे IMP5 लगाना है पहले आपको। अगर से 5 नहीं लगता है तो यहाँ पे 8 टाइप करके लगा देना। 5 में क्या होगा गाइज, आपको ओनली 99 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। और अगर से आप 8 लगाते हैं, अगर से आप में 5 नहीं लग रहा है तो यहाँ पे 8 लगा देंगे तो ओनली 12 रुपये बढ़ जाएगा और टोटल वैल्यू 111 रुपये हो जाएगी। तो 111 रुपये का आपका कार्ड पड़ जाएगा एक्स कार्ड। तो यहाँ पे नाउ यूजिंग UPI पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका UPI एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करके पे विथ जो भी आपका UPI है ऐप है उस पर क्लिक कर देना है, वो रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने के बाद यहाँ पे यस का सिंबल आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है मेरी ट्रांजेक्शन 111 रुपये। और डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना होगा। OTP आएगी, यहाँ पे फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगर से यहाँ पे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट आता है तो यहाँ पे री एंटर पैन कार्ड पे क्लिक करके फिर से आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। तो यहाँ से मेरा देख सकते हैं सब सही हो गया है। और एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं होम इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अर्न 1% बॉन्टेज ऑन एवरी स्पेंड। आपको 1% बॉन्टेज हर स्पेंड पे मिलेगी यहाँ पे, लेकिन 1% बॉन्टीज 150 रुपये पे मिलेगी। 150 रुपये आप एक्सपेंड करेंगे तो एक बॉन्टी मिलेगी। अभी आपको कार्ड कैसे लेना है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। गेट एक्स कार्ड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OTP आएगा एक्स कार्ड की तरफ से। वेरीफाई कर देंगे OTP डाल के। OTP डाल के वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, पिन कार्ड का नंबर ऊपर आ जाएगा। आइए ऑथोराइज पाइन लैब्स पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा जो भी आपके पिन कार्ड पे है। अगर से आपका डिफरेंट नेम यहाँ पे शो कर रहा है तो आपको री एंटर नेम पे क्लिक करके आपको फिर से एंटर कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद पिन कार्ड इज करेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। और उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक सेल्फी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका एरिया क्लियर होना चाहिए और मोबाइल का पोस्चर सही होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी फ़ोटो आधी नहीं होनी चाहिए जैसे कि यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ भी है। तो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड फॉर अ सेल्फी पे क्लिक करेंगे। सेल्फी पे क्लिक करने के बाद एक आपको अच्छा सा फोटो ले लेना है। फोटो लेने के बाद यहाँ पे सही का सिंबल आ जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है, जो भी आप एक्स कार्ड पे नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ से आपका अपना नेम टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद एक्टिवेट एक्स कार्ड पे क्लिक करना है। एक्टिवेट एक्स कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं डिजिटल कार्ड इज ऑलरेडी इशूड, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये पेज आ जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका कार्ड डिलीवर हो जाएगा विद इन 10 डेज। सो गाइस फिर से होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कार्ड नंबर आ जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे आपका CVV भी दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड नंबर कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट CVV ये सबको आपको नोट कर लेना है ऑनलाइन यूज़ करने के लिए। उसके बाद यहाँ से आपको ऐड मनी भी कर सकते हैं। 5000-7000 यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है, आप जितना मर्जी करें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से सेटिंग बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपको मैनेज भी कर सकते हैं अपना जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपये लिमिट है,
और एक्स कार्ड एक्टिवेट हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे कार्ड डिलीवर होने के बाद यहाँ पे आपको इसकी लिमिट भी सेट कर लेना है POS मशीन की, और टैप टू पे की 5000 रहती है, यहाँ से इसको भी आपको इनेबल कर लेना है। अगर से आप POS या फिर टैप टू पे वाला यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपको ऑन कर लेना है, अदरवाइज छोड़ देना। अगर से आपको टैप टू पे या फिर POS वाला आप नहीं करते हैं तो ट्रांजेक्शन क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना डेली लिमिट सेट कर सकते हैं। आप एक दिन में कितना खर्च करना चाहते हैं उतना ही आपको यहाँ से खर्च कर सकते हैं। अगर से लिमिट ज़्यादा हो जाएगी तो आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। और इस कार्ड में गाइज आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा 1000 रुपीज़ का। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 5% बॉन्टीज ऑन ऑल एक्स कार्ड ट्रांजेक्शन पे मिलेगा, 5% 1% इंस्टेंट मिल जाएगा, और 4% जो है नेक्स्ट मंथ 15 तारीख को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं 45,000 एक्सपेंड करना है तो आपको 600 रुपये मिलेगा, और 30,000 एक्सपेंड करना है तो आपको 400 रुपये मिलेगा। तो 6 और 4 10 ये हो गया, और यहाँ पे 4 टाइम ट्रांजेक्शन करना है तो 200 रुपये आपको मिलेगा। तो गाइज जो आपने 111 रुपये या फिर 99 रुपये पेमेंट किया है ये तो इससे ही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस पे ये फोर टाइम ट्रांजेक्शन करेंगे 31 जुलाई तक, जो भी आपने जब भी आपने अप्लाई किया होगा तो आगे का डेट दिखाएगा, इससे डोंट वरी, इससे चिंता मत करना। आप यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिनिमम आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू चेक करना है, आपको कितना ट्रांजेक्शन करना है, 4 ट्रांजेक्शन करना है। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैं आपको इसके टर्म्स कंडीशन में दिखा दे रहा हूँ, मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट टू बी 100 रुपीज़ और मोर। आप 100 रुपीज़ 4 बार एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑफर काउंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से बैक चलता हूँ इसी ऑफर पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑफर आपको काउंट हो जाएगा। तो आपको 400 रुपये ऐड कर लेना है, 400 रुपये ऐड करने के बाद आप स्नैप पे एप्लीकेशन है उस पर जाके आप यूटिलिटी बिल में जाके आपको पे कर देना है अपने ही अकाउंट पे, ठीक है, तो आपका ये वाला ऑफर काउंट हो जाएगा। बट आपको 100 रुपीज़ 4 बार ट्रांजेक्शन करना है तभी आपको 200 रुपये मिल जाएगा, 600 और 400 और ये 200, तो टोटल हो जाएगा 1200। और इनके कुछ पार्टनर से टाई अप है, इस पे भी आप शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है कितना कितना परसेंटेज आपको मिलेगा, इसमें देख सकते हैं 5% 10% 5% इसी तरह 20% लिखा हुआ है। और इसमें आप शॉपिंग करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे शॉपिंग पे क्लिक करेंगे, इस आपको ऑनलाइन शॉपिंग वाला वाउचर खरीदना होगा, वाउचर खरीदने पे भी आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे 4.5% इसमें है, और नाइका में 4% है, इसमें 8% है, मेक माई ट्रिप में 4.5% है, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर खरीदते हैं तो 3% है, अमेजोन का है 2.5% और अमेजोन पे का है 1.75%। यहाँ से गिफ्ट वाउचर परचेज करते हैं तो यहाँ से आपको इसमें भी आपको कैशबैक मिलता रहेगा। और बॉन्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितना भी आपको कैशबैक मिला होगा यहाँ पे शो करेगा, और वॉलेट पे क्लिक करेंगे और जो भी पोर्टफोलियो वैल्यू आपको यहाँ पे कैशबैक के रूप में मिलेगी यहाँ से आपको विथड्रॉल टोकन पे क्लिक कर देना होगा। बट अभी मेरे पास 0 है इसीलिए यहाँ पे ये कुछ काम नहीं कर रहा है। 400 ऐड कर लेना है, ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं 400 ऐड कर दे रहा हूँ, ऐड मनी पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से UPI ऐप से आपको ऐड कर लेना है, यहाँ से मैं पेटीएम से ऐड कर ले रहा हूँ। सो गाइज मैंने 400 रुपये ऐड कर लिया है, अब देखते हैं इसमें आया कि नहीं। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल लाइव 400 रुपये ऐड हो चुका है। अब इसको स्नैप पे में जाके मनी ट्रांसफ़र कर लेना तो यहाँ से 100 रुपीज़ वाला काउंट हो जाएगा, यहाँ पे 200 रुपये आपको कैशबैक इंस्टेंट मिल जाएगा जैसे ही आपका 4 ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होगा तब। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।